रंजन चौधरी ने देश के राष्ट्रपति पर किए वक्तव्य का असर अब लोकसभा से रास्तों पर आ गया है। सोमवार को नागपुर में महिला कांग्रेस की ओर से भाजपा के धनतोली कार्यालय के सामने स्मृति ईरानी के खिलाफ आंदोलन किया गया। वहीं दूसरी ओर भाजपा की महिला मंडल ने भी सुरक्षा के लिए एकजुट हुए। मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी की इस कार्रवाई पर सेना और कांग्रेस की ओर से आंदोलन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नागपुर में कांग्रेस और भाजपा महिला कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। मामला था भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर किए वक्तव्य का। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति पर विवादित वक्तव्य किया था। इसी का विरोध करते लोकसभा में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को देश से माफी मांगने मांग की थी। इसी के चलते सोमवार को शहर भाजपा विरुद्ध कांग्रेस संघर्ष देखा गया। दोनों पक्षों की ओर से एक ही मांग थी, माफी पर व्यक्ति अलग थे। कांग्रेस की मांग थी कि स्मृति ईरानी ने माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर भाजपा सोनिया गांधी के माफी की मांग पर अड़े रहे। शर्म करो, शर्म करो। स्मृति ईरानी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। वरना कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। देखिए ऐसा है, जब किसी को अगर सबक सिखाना है तो ईंट से ईंट तो बजाना पड़ेगा सर। स्मृति ईरानी जी और भाजपा के जो नेता है वो अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि पहले अंग्रेज थे वो चले गए, ये दूसरे अंग्रेज आ गए, आरएसएस वाले, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं चलेगा। सोनिया जी का जिस तरीके से घोर अपमान किया गया है सांसद में, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। मुझे तो ऐसा लगता है स्मृति ईरानी जी को शर्म क्यों नहीं आती, उनकी बेटी खुद बाहर चलाती है और वो हमको देश की सभ्यता बताती है। एक नारी होकर के नारी का सम्मान नहीं करती है, वो नारी होकर के नारी का सम्मान नहीं करती है, तो इससे ज्यादा घटिया बात और कुछ नहीं हो सकती है। वो सिर्फ इसलिए चाहती है, वो सिर्फ फुटेज चाहती है क्योंकि काफी दिनों से वो लाइमलाइट में नहीं आ रही थी। तो अब उन्होंने सोचा ये मुद्दा मिला है, जोर के पकड़ो और इसको ठोको। पर उनकी दाल गली नहीं, क्योंकि विपक्ष ने भी देखा है सोनिया जी का शुरू से एक आदर और सम्मान सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी करते हैं। वो हमेशा अपने स्वभाव के लिए जानी जाती है, अपने धैर्य के लिए जानी जाती है, सभ्यता के लिए जानी जाती है, और वो हमेशा डिसिप्लिन में रह करके उन्होंने पार्लियामेंट की जो एक गरिमा होती है उसको संभाल के चला है। आम्हाला कळलं होतं कांग्रेस पक्षाच्या काही महिला भारतीय जनता पक्षाच्या विभागीय कार्यालयावर येणार आहेत। आम्ही त्यांच्या प्रतीक्षेतच या ठिकाणी नागपूर शहराच्या अध्यक्ष नीताताई ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये इथे या ठिकाणी उपस्थित होतो। परंतु कदाचित त्या अहवाला पाहून भिल्या आणि इथे आल्याच नाही, पण आमच्या कार्यालयावर आणि भारतीय जनता पक्षावर जर कोणी डोळा टाकला तर आम्ही त्यांना सोडणार देखील नाही, हा इशारा देण्याकरताच या ठिकाणी आम्ही एकत्रित झालेलो आहे। पण कदाचित ते आम्हाला भिवून या ठिकाणी आल्याच नाही। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपुर।